ग्राम डाडीडी सरना स्कूल स्थित एक संदिग्ध व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। एसपी कार्यालय में लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामगढ़ से आरिफ कुरैसी की रिपोर्ट। जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ था कि जो है पतरातू थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ में कुछ व्यक्ति जो है वो घूम रहे, इसी सूचना का सत्यापन किया गया। जो उसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम बनाया गया, जिसमें कि वो छापामारी किया गया तो पतरातू थाना क्षेत्र के सरना स्कूल डाडी डी पतरातू में, वहाँ उस जगह से वहाँ से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से एक लोडेड देसी पिस्टल और एक लोडेड देसी कट्टा ये बरामद किया गया। और जो व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई वो जुनैद अंसारी आलू टोला मदनिया पतरा पतरातू थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही इसमें जो है वो जिंदा गोली भी 9mm का 3 जिंदा गोली और 5G15 का 1 जिंदा गोली, ये सभी चीज़ों की बरामद की हुई है। इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, ये पिठोरिया में भी चोरी की घटना कारित कर चुका है। साथ ही साथ पिपरवार थाना कांड संख्या 32-21 में भी ये जेल जा चुका है। इसके अलावा भी अगर किसी मामले में इसकी संलिप्तता है, इस संबंध में भी पुलिस आगे जांच कर रही है। और इसके और भी अगर कुछ लोग इनके साथ इस तरह के हथियार लेकर के अगर क्षेत्र में हैं तो उन सभी लोगों का पता लगाया जा रहा है और शीघ्र ही अन्य लोगों को विचार किसी गिरोह से भी अभी प्रथम दृष्टया ऐसा कोई गिरोह से संबंधित इसके तालुका की कोई बात सामने नहीं आई है, और इसमें और भी अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।